हमारे सनातन संस्कृति में भगवान को भोग लगाने के लिए घंटे क्यों बजाते हैं? तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो पहले ये समझते हैं कि भगवान को ही क्यों नैवेद्य लगाया जाता है। विधि जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। वायु तत्व का स्पंदन करने के लिए घंटा या घंटी बजाने का विधान है। मुख्य वायु 5 है, जैसे व्यान वायु, उड़ान वायु, समान वायु, अपान वायु और प्राण वायु। ईश्वर को नैवेद्य अर्पित करने के बाद पांचों पवन वायु के लिए 5 बार घंटी बजाते हैं, ताकि हमारे द्वारा लगाया गया पदार्थ की खुशबू वायु के माध्यम से हमारे इष्ट और पितरों तक पहुंच सके। ऐसा कहा जाता है कि घर में निर्मित कोई भी खाद्य पदार्थ बनाकर ईश्वर के समक्ष रखने से अन्न का दोष निकल जाता है। भगवान को अर्पित किया कोई पदार्थ अन्न, जल, मेवा, मिष्ठान को नैवेद्य कहा जाता है। नैवेद्य को हमेशा पान के पत्ते पर रखकर ही लगाना चाहिए। चढ़ाने के बाद यह प्रसाद कहलाता है और जब सबको बांटते या वितरित करते हैं तो यह भोग हो जाता है। वैदिक हिंदू धर्म में ज़्यादातर भक्तगण यही गलती करते हैं कि भगवान का नैवेद्य की जगह प्रसाद या भोग शब्द का उच्चारण करते हैं। इससे घर की बरकत चली जाती है। नैवेद्य, प्रसाद और भोग की यह जानकारी 17 प्राचीन वैदिक ग्रंथ भाष्यों से ली गई है। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे पान के पत्ते पर ही क्यों लगाते हैं भोग, प्रसाद और नैवेद्य। स्कंद पुराण के अनुसार बिना मंत्रों के उच्चारण द्वारा ईश्वर को अर्पित किया गया नैवेद्य घर में दरिद्रता तनाव देता है। सर्वप्रथम तो आप भोग, प्रसाद और नैवेद्य में अंतर समझ लें। भारत में यह बहुत बड़ा भ्रम फैला हुआ है कि भगवान को भोग या प्रसाद चढ़ाना है। यह शब्द अत्यंत मलिनता युक्त है। पहली बात तो यह है कि वैदिक परंपरा में ईश्वर को नैवेद्य अर्पित करना बताया गया है, भोग या प्रसाद नहीं। भोग, प्रसाद और नैवेद्य में अंतर। वैसे तो भोग कहना भगवान के लिए सही शब्द नहीं है। रुद्र संहिता तथा व्रतराज ग्रंथ के मुताबिक ईश्वर को नैवेद्य अर्पित किया जाता है। नैवेद्य चढ़ाने के बाद प्रसाद रूप में जो सबको बांटते हैं और बाद में फिर जो लोग या भक्त इसे ग्रहण कर सभी खाते हैं उसे भोग कहा जाता है। भोग शब्द न बोलें, यह एक जूठन है। भोग जूठन शब्द है। कोशिश करें कि ईश्वर को कुछ भी खाद्य पदार्थ अर्पित करें तो नैवेद्य कहना उचित होगा। नैवेद्य अर्पित करने का प्राचीन वैदिक तरीका जानते हैं। ईश्वर को नैवेद्य देते समय ये मंत्र बोले, तभी नैवेद्य ग्रहण कर भोलेनाथ किसी भी योनि रूप में रह रहे हमारे पितरों, पितृ मातृकाओं तथा मातृकाओं को नैवेद्य का कुछ अंश उन्हें प्रदान करते हैं तो उनकी आत्मा प्रसन्नतापूर्वक हमें आशीर्वाद देती है, जिससे घर में सुख समृद्धि, धन धान्य एवं आरोग्यता की कमी नहीं रहती। पान के पत्ते पर ही रखे नैवेद्य और इसका भी हमें ध्यान रखना है। नैवेद्य हमेशा पात्र के नीचे पान के पत्ते पर ही रखकर अर्पित करना चाहिए। नैवेद्य लगाते समय 5 मंत्र अवश्य बोले, अन्यथा ईश्वर या देवता इसे ग्रहण नहीं करते। नैवेद्य अर्पित करने हेतु इन 5 मंत्रों का महत्व आइए हम जानते हैं। पहला मंत्र है ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम प्राणाय स्वाहा। ऐसे ही मंत्र बोलते हुए एक एक निवाला अर्पित करते जाए और अंत में जल हाथ में लेकर प्रसाद के चारों तरफ घुमाकर ओम ब्रह्माणु स्वाहा बोलते हुए पृथ्वी पर छोड़ना चाहिए, ताकि वायु द्वारा नैवेद्य की खुशबू जीव जगत के सूक्ष्म कीटाणुओं को भी मिल सके। अन्यथा हमारा नैवेद्य दुष्ट, दूषित, छल कपटी आत्माएं ग्रहण कर हमारे सदैव परेशान करती है। इस प्रकार से नैवेद्य अर्पित करने से घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती, सुख समृद्धि बढ़ती है। एक बार 54 दिन नियमित रूप से ऐसा करके देखें, जीवन में चमत्कार होने लगेगा। नैवेद्य पान के पत्ते पर ही अर्पित क्यों करना चाहिए? आयुर्वेदिक ग्रंथों में पान की उत्पत्ति अमृत की बूंदों से हुई है, जब समुद्र मंथन हुआ था। पान का पत्ता देवी देवताओं को अति प्रिय है, तभी ईश्वर को नैवेद्य भोग को पान के पत्ते पर रखकर अर्पित करने की प्राचीन परंपरा है। स्कंद पुराण में नैवेद्य प्रकरण श्लोक के अनुसार बिना पान के पत्ते पर रखा गया भोग रोग उत्पन्न कर भोग्यहीन, भाग्यहीन, दरिद्र बना देता है। अनेक
परेशानियां खड़ी करता है। देवता भी पान रहित प्रसाद कभी स्वीकार नहीं करते। इस भोग का भोजन भूत प्रेत एवं दुष्ट आत्माएं ग्रहण करती है, जो खाकर कराती है और परेशानी करती रहती है। धीरे धीरे वे घर में अपना अधिकार जमाकर मानसिक कलेश पैदा करके परिवार का माहौल अशांत कर देती है, घर में वास्तु दोष लगता है। स्कंद पुराण के अनुसार बिना मंत्रों के अर्पित किया गया नैवेद्य तनाव का कारण होता है। शिव रहस्य सूत्र, काली तंत्र, रहस्य उपनिषद एवं व्रत राज संहिता आदि शास्त्रों में भी ऐसा वर्णन है। पान में ही ईश्वर की जान है। तो मित्रों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।